अटल बिहारी वाजपेयी साहब जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, इस मुल्क के वजीर आजम रहे दो बार, मुझे जाती तौर उनके साथ काम करने का मौका मिला, 3 साल MOS के तौर पर मैं उनके साथ रहा। बाकी मुल्क के हवाले से जो उनका रोल रहा है वो तो सब जानते हैं। हम जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो बिलखसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से याद करते हैं, और जैसे कई सारे यहाँ ऑनरेबल मेंबरों ने जिक्र किया, जब जब हम वाजपेयी साहब को याद करते हैं तो उस हवाले से याद करते हैं कि उन्हें हमेशा जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर करने की कोशिश की, हमेशा यहाँ का जो तनाव का माहौल रहा, यहाँ जो वायलेंस रही, यहाँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके जम्मू कश्मीर के मुतलिक रिश्ते खराब रहे, उनको हमेशा सुधारने की कोशिश की, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की। वो पहले इस मुल्क के ऐसे लीडर, उनको याद किया जाता है कि वो लाहौर बस लेके गए, दिल्ली लाहौर बस सर्विस उन्होंने शुरू की, लेकिन उस दौरान वो मीनार पाकिस्तान भी गए, जो एक हिंदुस्तान के लीडर के लिए वहां जाना और मीनार पाकिस्तान पर वहां पे हाजिरी देना ये कोई मामूली बात नहीं, फिर सरहद पर खड़े होके कहना कि हम दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसी बदल नहीं सकते, आज के दिन में शायद ही कोई इस तरह की बात करेगा। बार बार जब हालात यहां खराब हुए उन्होंने यही कहा कि बातचीत के जरिए ही मसले हल किए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं। दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे इस बात के बावजूद कि उसके लिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से बात की तो कहा कि इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, जम्मू कश्मीर के आर पार के लोग उनको दोबारा जोड़ने के लिए यहां रस्ते खोले गए, जिनको बदकिस्मती से दोबारा फिर बंद किया गया। उनकी कोशिश थी कि लोग मिले, सिविल सोसाइटी आपस में मिले, एक एक मतलब पर्सनल रिश्ते कायम। आज तो ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा दूर रखने की कोशिश की जा रही है कि हम ना ही मिले तो बेहतर है। मैं तो मान के चलता हूं कि अगर वाजपेयी साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हमने जम्मू कश्मीर के साथ सलूक किया होता तो आज हमारा वो हाल नहीं होता जो हाल है, लेकिन चलिए वो नहीं रहे, उनका दिखाया हुआ रास्ता याद नहीं रहा, उन्होंने जो नक्शा एक हमें छोड़ के दिया था उस नक्शे को हमने छोड़ दिया, क्या करें। तारिगामी साहब ने वाजपेयी साहब के बारे में जब जिक्र किया तो असेंबली के रेजोल्यूशन के हवाले से बात की, लेकिन या तो भूल गए बताना या फिर बताना मुनासिब नहीं समझा। यह सही है कि वाजपेयी साहब की हुकूमत ने उस वक्त उस रेजोल्यूशन को वापस भेजा, लेकिन शायद उसके बाद वाजपेयी साहब को इस बात का एहसास भी हुआ कि जल्दबाजी हुई और उन्होंने अपने काबिना के वजीर को फिर नॉमिनेट किया यहां की हुकूमत के साथ इस पर बातचीत और डायलॉग शुरू करने के लिए। मरहूम अरुण जेटली साहब, अगर मेरी याददाश्त सही है, उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे और लॉ मिनिस्टर की हैसियत से वाजपेयी साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया यहां की हुकूमत के साथ एक डायलॉग प्रोसेस उस रेजोल्यूशन को लेकर, लेकिन उस वक्त उसके बाद फिर हुकूमत रही नहीं, हालात बदल गए और
जो हुआ सो हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके वाजपेयी साहब के जो इरादे थे उनसे शायद इख्तलाफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा।